بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من قال يؤمن بالله واليوم الآخرة فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي له रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहल उक्तकम लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा। मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी सोशल बीमारी है और वो बीमारी में शायद इस बीमारी से शायद कोई बचा हो। अल्लाह ताला हज़रत को माफ़ फरमाए, वो ग़ीबत की बीमारी है, बैक बाइटिंग की बीमारी है। बहुत सख्त बीमारी है। इसके बारे कुरान मजीद की आयत आपके सामने मैंने सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 है, वो पढ़ी है सादा तर्जमा। कोई किसी की गीबत ना करे, या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, इससे तुमको जरूर नफरत होगी, तो गीबत ना करो। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि गीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। अंदाजा कीजिए, हम घर में जो गोश्त पकाते हैं कितना उसको चेक करते हैं, कितने स्टोर फिरते हैं। हालांकि हराम गोश्त वॉलमार्ट से जो स्टोर सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन हम क्यों महंगा खरीदते हैं, क्यों? वो हलाल है। तो हम यानी मुर्दा चिकन, हराम चिकन नहीं खाते, लेकिन उसके मुकाबले में हम भाई मुर्दे का गोश्त खाते हैं। ये कुरान के अल्फाज का तर्जमा है। कितना घनौना ये जुर्म है। मैंने फिर आपके सामने आयत मुबारका के अलावा मेरे हदीस पाक पढ़ी है, उसका सादा तर्जुमा। और कहा यौमिन बिल्लाह वल यौम आखिर, जो अल्लाह की जात पर ईमान और यौम आखिर पर ईमान रखता है उसको क्या चाहिए? फल यकुल खैरन, अच्छी बात ही हमेशा करे, अगर नहीं कर सकता तो औले या समुद खामोश रहे। सुभान अल्लाह, अपने मुंह को बंद हम रखें। फिर और कहती से पा पड़ी मैंने, अल गीबा अशद्दु मिन अज़्ज़िना,
ये गीबत करना ज़िना से भी ज्यादा सख्त जुर्म है। अब बताओ ज़िना के बारे में अस्तग़फ़िरुल्लाह कितनी सख्त सज़ा है, और शादीशुदा मर्द और ज़िना करें तो उसकी सजा रजम है, गाड़ कर जिंदा उनको पत्थर मार मार खत्म करो, वरना गैर शाशुदा है तो 100 कोड़े मारने की सजा है। तो ये गीबत हजूर सरसल फरमाया जिन पर कुरान नाज़िल हुआ फरमा रहे हैं अग़ीबा अशद्दु मिनज़ ज़िना से भी ये सख्त है, बदतर है। क्यों? ज़िना तो सच्ची तौबा तैयार करने से, आइंदा के अमल छोड़ने से अल्लाह ताला माफ करते हैं, लेकिन ग़ीबत का गुनाह माफ नहीं होता जब तक जिसकी ग़ीबत की हुई है वो माफ ना करे। अगर उसको बताएंगे मैंने ग़ीबत की है और फसाद पैदा होगा, झगड़ा पैदा होगा, तो ये मसला है, बड़ा खतरनाक मसला है ये। अल्लाह ताला हम सबको इस बड़े गुनाह से महफूज फरमाए। एक और इशफा अर्ज करता हूं, मन सामाता जिंदा मन सामाता निजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामाता लिया कि मुर्शिद अल्फाज सुभान अल्लाह, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। मन सामाता लिया जो खामोश रहा वो निजात पा गया। एक और हदीस पाक है मुस्लिम मन सारे वाले मुस्लिम मुसलमान वो है, हकीकी मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। एक और हदीस पाक है ला यदखुलुल जन्नत इन अक्तातुन, ला यदखुलुल जन्नत इन अक्तातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो के साथ को मस्दूक है, जिनको कुफार मुशरिकीन मक्का भी सच्चे कहते थे, हमें इस बारे में कोई शक नहीं करना चाहिए, जब हमारी मौत आए हमारे जुम्मे कोई गीबत का गुनाह ना हो। फिर और हिस्से पाक में फरमाया मफ़हूम यूं है, अल्लाह के बंदों में से बदतरीन वो लोग हैं जो चुगलखोर हैं, जो चुगली करते हैं। और चुगली है क्या, इसको हमजा भी कहते हैं। तो गीबत चुगली ये है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना या ऐसा अमल करना जिसको जिस बात को वो सुने या देखे या महसूस करे और उसके नतीजा में उसको जहनी तकलीफ हो, उसके दिल को तकलीफ हो, वो परेशान हो जाए, हाँ वो बात अच्छी ही क्यों ना हो, ठीक भी क्यों ना हो, आप किसी के बारे में उसकी अदम मौजूदगी में उसके बारे में कोई अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन वो उसके बारे में अपनी तरफ से अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन उसको वो बुरी लगती है, हाँ वो आप सच बोल रहे हैं लेकिन वो जब सुने उसको तकलीफ हो, उसको गीबत कहते हैं। अब अगर वाकई वो बात सच्ची हो तो वो गीबत से अगला स्टेप है, उसको लम्ज कहते हैं
यानी तोहमत, और तोहमत हराम है, उससे भी बड़ा गुनाह है। दोबारा सुन ले, किसी की गैर मौजूदगी में उसके मुतल्लक कौर से या फेर से ऐसी बात कहना, हरकत करना कि वो अगर देखे और सुने और उसको जहनी तकलीफ हो, उसके दिल को तकलीफ हो, खा वो बात जो कही है वो सच्ची ही क्यों ना हो, उसके अंदर ऐब वाकई क्यों ना हो, और कहने वाला का मकसद मजे लेना हो, ये गीबत है। अगर वाकई उसके अंदर वो है ही नहीं बुरी बात, आप गलत बात किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं, तो ये तो तोहमत है जो कि हराम है। वो भाई मुर्दा भाई के गोश्त खाने से भी ज्यादा सख्त तरीन है, ये गीबत का लुकमा बदतरीन लुकमा है, क्योंकि मुर्दे का गोश्त जब हम खाए तो उसकी जिस्म को तकलीफ नहीं होती मुर्दे को, लेकिन और इसी तरह वो गैब जो शख्स है उसको तकलीफ नहीं पहुंच रही, लेकिन जब उसको खबर पहुंचेगी उसको तकलीफ होगी। और ये गुनाह करना बहुत ही आसान है, क्यों? इसमें वो पार्टी मौजूद नहीं होती तो कोई रुकावट नहीं पैदा करती, लिहाजा हम मजे ले लेके किसी के खिलाफ बातें करते रहते हैं। किसी के खिलाफ मजे ले लेके बातें करना, किसी के सामने जिसकी उसे उसकी तौहीन हो रही हो, उसकी इज्जत कम हो रही हो, और आप अपनी चौतराहट बना रहे हो कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो ऐसी है, वो ऐसा है, यही तो गीबत है। और ये काम करना बड़ा आसान है, ये इस गुनाह में शैतान बहुत जल्दी ही फंसाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये ताकि एक कमजोर से कमजोर आदमी भी ताकतवर से ताकतवर ये बादशाह की भी गीबत कर सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अपनी कज़ा नमाजों का ख्याल नहीं है, मैं कितनी नमाजें कज़ा की हैं, तो दूसरा कुछ देर से नमाज पढ़ रहा है उसकी तलाश में हम हैं। याद रखें, किसी के राज को फाश करना, किसी के सीक्रेट को जाहिर करना, नुकसान पहुंचाने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये भी गीबत में शामिल है। किसी की शिकायत करना, किसी की शिकायत करना ताकि वो बदनाम हो जाए और मेरी चौधराहट बन जाए, मेरी इज्जत बन जाए, ये भी गीबत में शामिल है, जबकि दूसरे की इसलाह मकसूद ना हो। याद रखें, गीबत के साथ जब झूठ मिल जाता है तो वो बोहतान बन जाता है, तोहमत बन जाती है। इसके बारे में मसले भी सुन ले, गीबत का इरादे से सुनना, या कोई गीबत कर रहा है आप सुनते रहें, तो आपको भी उतना गुनाह होगा गीबत सुनने में जितना गीबत करने वाले को गुनाह होगा। ये मसला है, गीबत करना और सुनना दोनों बराबर हैं, दोनों गुनाह में बराबर हैं, क्योंकि जानी तो तौबा कर लेता है और गुनाह माफ हो सकता है, गीबत करने वाले का गुनाह माफ नहीं होगा जब तक मगदूब जो है जिसकी गीबत की हुई है वो माफ ना करे। अगर पता चल जाए और आप ढूंढ लें उस आदमी को, या पकड़ लें, कहें भाई मैं तेरी गीबत की है, तो बार बार ज्यादा फसाद का खतरा है, लड़ाई पे नौबत आ जाएगी, तो बड़ा खतरा है। माफी मांगने का मांगना भी आसान नहीं है।
या प्रेजेंट किया मैंने रीवर के कॉल के अलावा किसी के फेल से भी कोई लंगड़ा है तो आप किसी के सामने वैसे ही लंगड़ा कर चढ़ कर हाजिर वो लंगू ऐसे है या उसका नाम रख दिया लंगू ऐसा बुरा नाम रख दिया वो भी गीबत में शामिल है। लेकिन बात चीज ऐसी है जो गीबत में शामिल नहीं होती। मसला सुने गौर से, उस्ताद का अपने शागिर्द के बारे में उसके वालिदैन को रिपोर्ट देना शिकायत करना ये गीबत में शामिल नहीं है क्योंकि इसमें इस्लाह और शागिर्द की इस बच्चे की इस्लाह मकसूद होती है, सिर्फ इतला करना होता है। पुलिस को रिपोर्ट देना, कोई गाड़ी को मारकर चला गया उसको रिपोर्ट देना कि फलां नंबर है फलां गाड़ी है वो मारकर भाग गया है, तो ये रिपोर्ट देना गीबत में शामिल नहीं है। और सुनिए, किसी को किसी के शर से, दीनी शर हो या दुनियावी शर हो, उससे बचाने के लिए किसी की बात किसी को बताना ये जायज है, अच्छा है, लेकिन शर्त यह है उसकी तहकीर करना उसकी बेइज्जती करना मकसूद ना हो। और सुनिए, मसले के तौर पर मुशारकत में, लेन देन में, कारोबार में किसी के बारे में किसी को मालूमात देना जिससे वो नुकसान से बच जाए। मिसाल के तौर पर आपका किसी के साथ कारोबार किया है और वो आपको धोखा दे गया, अब आपको पता चला कि आपका दोस्त भी उससे कारोबार करना चाहता है, उसने आपके दोस्त को फुलसा लिया है, तो फिर आप अपने दोस्त को बताना भाई उससे बचकर रहें, उसके साथ कारोबार ना करें, ये गीबत में शामिल नहीं है क्योंकि इसमें किसी को किसी के नुकसान से बचाना मकसूद है। एक अल्लाह वाली थी, उसने ख्वाब में देखा कि उसको हुक्म हो रहा है कि इस गुलाम मुर्दा के जिस्म को खाओ। अब उसको ख्वाब क्यों आई, क्यों हुक्म हुआ, क्योंकि उसने डे टाइम में उस गुलाम की गीबत की थी। शबे मेराज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि कुछ लोग तांबे के नाखून से, तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे को, बदन के गोश्त को नोच रहे हैं। तो जब पूछा गया तो जिब्राइल अलैहि सल्लम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये गीबत करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान में गए, सहाबी साथ थे, तो दो अब कहा कि दो कब्रों को अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर, फरमाया ये जो कब्र है इसमें गीबत करने की वजह से, इसको कब्र में चुगलखोरी करने की वजह से इसको कब्र में अजाब हो रहा है, और दूसरी कब्र में ये पेशाब की छेटों से परहेज नहीं करती थी या करता था। बाद हम जल्दी से बाथरूम जाते हैं ना, तो अभी पूरे कचरे पेशाब के खारिज नहीं हो गए थे, तो जल्दी से हांडी जा रही है या दफ्तर जाना है, जल्दी जल्दी बस अभी कचरे आ जाते हैं और कपड़ों में पड़ जाते हैं, कपड़े भी लफाफ हो जाते हैं। तो ये आदमी पेशाब करते वक्त पेशाब के कतरों से परहेज नहीं करता था या करती थी, ये आम बीमारी है हम मर्दों औरतों में। आज से तौबा करें, आइंदा आराम से, ज्ञान से, आप ख्याल से आप अच्छी तरह पेशाब करके और कतरों को साफ करें, और साथ साथ गीबत से बचने के लिए अपने जबान मुबारक की हिफाजत फरमाएं। हजूर ने फरमाया, किसी की साहबा को फरमाया, किसी की शिकायत मुझसे ना किया करो ताकि मेरे दिल में उसके खिलाफ मैल ना आए।
आइए चंद एक नुस्खे बताता हूँ इससे कैसे हम बचें, गीबत के गुनाह से कैसे बचे। नंबर तो ये है कि ऐसी मजलिस, ऐसी बहन या भाई जो आपसे गीबत कर रहा है, किसी के बारे में चस्का लेने के लिए, आपसे चस्का देने के लिए गीबत कर रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, तो आप उसको भैल प्लीज ये बात रखो, ये गीबत है प्लीज, या आप टॉपिक बदलो, उसका टॉपिक बदलने की कोशिश करो, उस बंदे की तारीफें शुरू कर दो, ये बेस्ट इलाज है। तो वो करने वाला आइंदा गिफ्ट नहीं करेगा उसकी, उसके आखिर हर इंसान में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, कोई इंसान गुनाहों से पाक नहीं है। आगे सुनिए, जिंदा जिसकी गिबत की गई है, अगर वो जिंदा है तो माफी मांगना वाजिब है, अगर उसको इतला हो चुकी है, और साथ साथ अल्लाह साथ से भी माफी मांगनी पड़ेगी। और जिस या एक और इलाज है, जिस मजलिस में जिस आदमी के सामने मैंने किसी की गीबत की है, आपने किसी की गीबत की है, उसी मजलिस में जाकर खुद माफी मांगे और ये ऐलान करे कि मैंने वो झूठ बोला था। ये है इलाज, और ये बड़ी जरूरत की बात है कि मुझसे मुंह से झूठ लेकर गया था, बस ये कहूंगा बाई चांस मेरे मुंह से झूठ लेकर गया था, वो तो आदमी बड़ा अच्छा है, वो तो बहन बड़ी अच्छी है, एक ये इलाज है। अगर फौत हो चुका हो और हमने उसे गीबत की हुई हो, तो हर रोज 3 दफा सूरा फातिहा पढ़कर, सूरा इखलास पढ़कर, 3 दफा सूरा इखलास पढ़कर 1 कुरान मजीद का सवाब उसको पहुंचाया करें, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला की जात कुदूस क़यामत के रोज उसके साथ राजी नामा करा देंगे। और साथ जिसकी गीबत हमने की है और वो फौत हो चुका है, तो हमें चाहिए उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उसके हक में सदका खैरात करें। लेकिन हम प्रॉब्लम जो है, हम अपना नहीं देखते कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। अगर हम एक उंगली किसी तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं। न थी अपनी बुराइयों की जो खबर, न थी अपनी बुराइयों की जो खबर, रहे ढूंढते औरों के ऐबो हुनर, न थी अपनी बुराइयों की जो खबर, रहे ढूंढते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जहां में कोई बुरा न रहा, न थी अपनी बुराइयों की जो खबर, रहे ढूंढते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब खबर नजर, तो जहां में कोई बुरा न रहा। जब अपनी बुराइयां देखेंगे तो लोग अच्छे नजर आएंगे। मसला ये है कि अपनी बुराइयां नहीं चेक करते कि मेरे अंदर क्या क्या करतूते हैं, लिहाजा अपने को देखा करें। आइए सुनिए, तो किसी अहलुल्लाह की मजर से में जाएं, अल्लाह वालों की मजलिस में जाएं, तो मजलिस के आदाब सीख कर जाएं और खामोश रहें। अच्छी बात है तो कह दें, वरना खामोश रहें। खैर का काम यह है कि किसी भाई की गीबत सुने, बकदरे ताकत कुदरत भाई की हिफाजत करे, गीबत को रोके, और हिफाजत ना कर सके
तो विपद सुनना भी गुनाह कबीरा आपके हक में हो जाएगा। अब चंद गुजारशात हैं। अपने घर में आप सूरह अल हुजरात की तालीम करें, सूरह अल हुजरात को आप पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें। उसके अलावा गीबत से मुतल्लिका जितनी हदीसें पाक हैं उनकी तालीम करें। इसे हमें को चाहिए कि दूसरों के दिल को खुश करें, लोगों की तारीफ करें, उनकी खिदमत करें। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर अस्तर, दूसरे के दिल को खिदमत करके तारीफ करके मोह लेना हज्जे अकबर का सवाब है। अल हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, क्योंकि हजार काबों से बेहतर एक मोमन का दिल है। काबा बुनियाद खलील आजरस्त, काबा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील ने उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन दिल जो है दिल गुजरगाह जलील अकबरस्त, लेकिन दिल के अंदर तो अल्लाह बसता है। लिहाजा में चाहिए दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, अल हजारा काबा यक दिल बेसरस्त, काबा बुनियाद खलील आदरस्त, दिल गुजरगाह जलील अकबरस्त। तो हमें लोगों के दिल को खुश करना चाहिए, लोगों के दिल को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना पता क्या होगा, क़यामत के रोज जो गीबत करने वाले हैं, जो दिलों को जलाने वाले हैं, उनके दिलों उनको उनके दिलों को आग के स्तोनों के अंदर जकड़ दिया जाएगा। वैलुल कुल हुमज़ा लुमज़ा, ये सूरह अल हुमज़ा में अंदर ये हुक्म है, ये तर्जमा मफ़हूम यूं है कि ऐसे जो गीबत करते हैं, लोगों के दिल जलाते हैं, उनके दिलों को जहन्नम में आग के स्तोनों के दरमियान रख कर जलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं शेरावाला गेट लाहौर में, हजरत थे माशाल्लाह अल्लाह वाले थे। तो आप ये फरमाया करते थे, अल्लाह ताला को राजी करो इबादत से, अल्लाह ताला को राजी करो उसकी इबादत से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करो उनकी अताअत से, और मखलूक खुदा को राजी करो उनकी खिदमत से। अगर खिदमत करेंगे उसका दिल खुश होगा और अल्लाह ताला भी खुश होगा, और अल्लाह ताला आपके दिल को खुश करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये गीबत और तोमत जैसी गंदी सोशल बीमारियों से महफूज करे, और आज से हम इस बात का पक्का इरादा करें कि या अल्लाह साका जो कुछ हो गया है उसकी हम माफी मांगते हैं, सच्ची पक्की तौबा तन्नसूह करते हैं, और हो सके जैसी गीबत हो गई है उससे किसी तरीके से माफी मांग लें, या फिर हदिया देकर तोहफा देकर उसको खुश कर दें, ताकि उसके दिल को जो तकलीफ हुई थी वो मुंजमिल हो जाए, वो तकलीफ खुशी में बदल जाए, आसूदगी में बदल जाए। ये मैं होमवर्क अपने आप को भी दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ। आखिर दामना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए थोड़ा सा